फाइमा खातून बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर यानी हरफन मौलक की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने अप्रैल 2013 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। फाइमा खातून का जन्म 2 नवंबर 1992 मगुरा टाउन बांग्लादेश में हुआ। इनके पिता का नाम अल्ताफ हुसैन और इनकी माँ का नाम फरीदा बेगम है। फाइमा खातून दाएं हाथ की बैटर है और राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 9। फाइमा खातून की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 19। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 5 अप्रैल 2013 को इंडिया के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 17। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 8 अप्रैल 2013 को ये भी इंडिया के खिलाफ खेला। और फाइमा खातून डोमेस्टिक लेवल पर बरिसाल डिवीजन, खुलना डिवीजन, चेटगांव डिवीजन और वेस्टर्न जोन से खेली और खेलती हैं। फाइमा खातून बचपन से ये क्रिकेटर बनना चाहती थी और लड़कों के साथ गली क्रिकेट खेलती थी। बाद में इन्होंने क्रिकेट स्टेडियम में जाकर क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें इनके माता पिता ने इनका पूरा साथ दिया। फाइमा खातून ने लॉ डिपार्टमेंट में इस्लामिक यूनिवर्सिटी कुसिता बांग्लादेश से अपनी पढ़ाई पूरी की और 16 साल की उम्र में 2008 से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू किया और अप्रैल 2013 में भारत के खिलाफ बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अपने T20I और ODI की शुरुआत की। फाइमा खातून 2018 T20 एशिया कप में बांग्लादेश टीम का हिस्सा थी, जिसमें बांग्लादेश ने अपना पहला एशिया कप खिताब जीता। फिर इन्हें 2018 T20 क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश की टीम में सेलेक्ट किया गया और 10 जुलाई 2018 को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ फाइमा खातून ने अपनी पहली T20I हैट्रिक ली और ये कारनामा करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला खिलाड़ी बनी, जिसमें इन्होंने मात्र 8 रन देकर 4 विकेट चटकाए। फिर वेस्टइंडीज में 2018 2020 विश्व कप, स्कॉटलैंड में 2019 T20 विश्व कप क्वालिफाई टूर्नामेंट, 2019 साउथ एशियन गेम्स में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए फाइमा खातून को बांग्लादेश की टीम में नामित किया गया और साउथ एशियन गेम्स में बांग्लादेश ने फाइनल में श्रीलंका को 2 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 2020 T20 विश्व कप, जिम्बाब्वे में 2021 विश्व कप क्वालिफाई टूर्नामेंट, मलेशिया में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट क्वालिफाई टूर्नामेंट और न्यूजीलैंड में 2022 विश्व कप के लिए फाइमा खातून को बांग्लादेश की टीम में शामिल किया गया। तो हम फाइमा खातून के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।